हेलो हेलो
बॉस इस तरफ आ जाइए, बॉस प्लीज इस तरफ आ जाइए, धन्यवाद धन्यवाद, आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आप प्लीज इस तरफ आ जाइए।
रोगियों का आगमन हुआ है, हम सभी उनके कृतार्थ हैं। और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की अतिथि देवो भव की पुरातन परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सभी का एकल पुष्प द्वारा स्वागत करते हैं। पुष्प अपने अवर्णित शब्दों से हृदय के उद्गारों को संपूर्ण रूप से संप्रेषित कर देते हैं। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का हम स्वागत करते हैं एकल पुष्प के द्वारा। हम स्वागत करते हैं अपने राज्य मंत्री आदरणीय श्री संदीप सिंह जी का। A very good evening to one and all. In continuation of the tradition of the floral welcome, on this auspicious occasion, we now present a rose to the Honorable Additional Chief Secretary, Dr. Shri Rajneesh Dubeji, who is a senior IAS and also a doctor, and so we understand that he understands our problems much better than anybody else. We now welcome our Honorable Vice Chancellor, Lieutenant General Dr. Bipin Puri, who took over as the Vice Chancellor of this prestigious university during the peak of the COVID pandemic, and alumni of the Lamarck's College and MCH Pediatric Surgery from PGI Chandigarh, and Fellowship in Pediatric Urology from UK. Sir, we welcome you here. Apart from the dignitaries on the dais, we have some eminent people of the dais too. We welcome Mr. Mukesh Sharma, who is the president of the Lucknow branch of the BJP. We welcome you, sir. We are very fortunate to have a vice chancellor who is a true leader. The way he has managed the university in these tough times is commendable. The way he visits the different departments and interacts with the faculty is admirable. I quote for him, "There go the people, I must follow them, for I am the leader." Great leaders don't tell you what to do, they show how it's done. So now I invite our energetic, dynamic Vice Chancellor, Lieutenant General Dr. Bipin Puri, to deliver the welcome address. आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, श्री संदीप सिंह जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रजनीश दुबे जी, नगर अध्यक्ष बीजेपी मुकेश शर्मा जी, डीजीएमई डॉक्टर के गुप्ता जी, Distinguished guests, print and electronic media, ladies and gentlemen, सबसे पहले मैं अपने विशेष अतिथि respected श्री सुरेश खन्ना जी, संदीप सिंह जी और ACS रजनीश दुबे जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल से आभारी हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये परिवार समझता है कि ये हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो कमिश्नर हैं, जिन्होंने हमको ब्लेसिंग्स दी, जिन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स समझी ही नहीं, उसके साथ में एक विजन था, एक तरीका था उसको इम्प्लीमेंट करने का। मैं समझता हूँ कि आज हम दिन है हमें बधाई देने का, उनको थैंक करने का कि जो हमने प्रॉब्लम्स पेशेंट केयर में चाहे हो, चाहे वो अपने हमारे स्टाफ की प्रॉब्लम्स हो, वो उसमें उन्होंने जो हमको ब्लेसिंग्स दी हैं, हम उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे कि सबको मालूम है, मैं कुछ ऐसी चीजें, कोई नई चीज नहीं बोल रहा, बट मैं समझता हूं कि ये कहना बहुत जरूरी है कि
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एक अस्पताल जब कंसेप्चुलाइज हुआ था, इट वॉज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. इट वॉज अ कॉमन मैन्स हॉस्पिटल. एंड यही मंत्री जी बार बार यही चीज कहते हैं कि ये एक आम आदमी के इलाज के लिए जगह है, इसलिए हम सबको समझना है कि हमें इसका इलाज कैसे बेहतर कर सकें, स्टेट ऑफ द आर्ट कर सकें, बट येट उसका जो फ्री, जिनको बीपीएल है, जो असाद है, जो कैंसर है, वो उनका उसको फ्री का फ्री होना चाहिए. एंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको कैसे मॉडर्नाइज कर सकें. इस सेम प्रोसेस में आप लोग, मंत्री जी मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, 115 साल पुराना अस्पताल जहां पर बेसिक MBBS हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट डॉक्टरल हो, चाहे PhD हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे डेंटल हो, हर अंडर वन रूफ लार्जेस्ट हेल्थ केयर हॉस्पिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. हमें बहुत बहुत हम प्राउड फील करते हैं दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस, और हमें आपकी ब्लेसिंग्स हैं. हम समझते हैं कि ये इट इज अ यूनिक एडवांटेज दैट वी हैव इन द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इन लखनऊ टू हैविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हु इज ऑल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर विच मेक्स इज अ डबल वैमी. हमारे लिए दिस इज अ डबल वैमी, बोथ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एज वेल एज द ऑनरेबल मिनिस्टर लुकिंग आफ्टर द फाइनेंसेस ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड इट हेल्प्स द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी ह्यूजली. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हियर टुडे टू इनॉग्रेट 4 पेशेंट केयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विच हैव कम अप विद द डायरेक्शन, द विजन, द रोड मैप विच द ऑनरेबल मिनिस्टर लेड आउट फॉर अस एंड ऑफ कोर्स beautifully executed and implemented by the ACS Rajneesh Dubey ji. And I would like to talk about just a minute on each of these issues. Ek to 100 bedded MC, mother and child health in the Queen Mary Hospital, over 23 crores rupees ki lagat se ye 100 bedded MCH modern सेटअप बना है. मैडम उमा सिंह हैज सुपरवाइज्ड द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम इनसाइड एंड हम समझते हैं कि इट इज अ टर्शरी केयर फैसिलिटी विच विल बी अमंग्स द बेस्ट इन उत्तर प्रदेश. इट हैज अ न्यू लेबर रूम, उसमें एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट एंड ICU भी बना है. हम समझते हैं कि इससे ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज के लिए एक जायंट लीप है एंड दिस विल रियली इंप्रूव द ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज इन द क्वीन मेरी हॉस्पिटल. एक फुट ओवर ब्रिज 6.1 करोड़ की लागत से बना है जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को कॉलेज को QMH से ऊपर से आप उसमें जा सकते हैं. CT अगर मरीजों को अगर CT MRI कराना है या कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, इतना ट्रैफिक है, इतना क्राउड है, तो ये ब्रिज से बहुत बहुत फायदा होगा एंड ये ब्रिज अब चालू हो जाएगा. 13 डिपार्टमेंट्स हमारे सारे अस्पताल में जहां पर मेडिकल गैस पाइपलाइंस नहीं थी, उनकी ये पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस बन गई हैं. उस इन गैस लाइन पाइपलाइन से सारी इस जो सारी जो पोजीशन है सब चेंज हो गई है. बिकॉज अब आप सोचें, अगर ऑक्सीजन इज अवेलेबल ऑन द बेड साइड फ्रॉम लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स हमने सारे अस्पताल में लगा दिए हैं एंड उससे आप हर पेशेंट सारे अस्पताल में, चाहे वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे वो कोविड हॉस्पिटल में, लिक्विड ऑक्सीजन से विद पाइप, न्यू पाइपलाइन सिस्टम से अवेलेबिलिटी हो गई है. फायर हाइड्रेंट सिस्टम इन केस ऑफ फायर, ये नया फायर 30 क्रॉस वर्थ प्रोजेक्ट ये रखा गया है अंडरग्राउंड वाटर टैंक से. विद इन मिनट्स अगर कोई फायर हो, दीज फायर हाइड्रेंट सिस्टम कैन एक्सटिंग्विश द फायर. एक
एम्प्लॉयज एंड फैकल्टी के लिए रेजिडेंट बिल्डिंग विथ 114 फ्लैट्स टाइप 4, 3, 2 एंड 1 डिफरेंट कैटेगरी के फ्लैट्स हैं। 114 फ्लैट्स हरदोई रोड पे आ गए हैं, मैं परसों ही देख के आया हूँ। एक्सलेंट कंस्ट्रक्शन, मैं समझता हूँ मंत्री जी की तरफ से फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट दिस इज एन एक्सलेंट फैसिलिटी विच हैज बीन गिवन टू द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। वंस अगेन वी थैंक द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डूइंग सो मच। पेशेंट केयर तो सोचा ही सोचा उन्होंने, बट हमारे स्टाफ के लिए भी। मंत्री जी मैं अगले एक दो मिनट में कुछ ऐसी चीज कम बताना चाहता हूँ। मैंने 10 अगस्त को ज्वाइन किया था ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपको मालूम है 7 सितंबर को हमने कोविड हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया जिसमें अब विच इज़ अ मॉडर्न सेटअप विथ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें अभी हमने लिक्विड ऑक्सीजन टैंक 20,000 लीटर्स का ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन टैंक भी लगा दिया है। इस कोविड हॉस्पिटल इस दौरान 2,851 मरीज L2 एंड L3 प्रिडोमिनेंटली L3 मरीज एडमिट हुए हैं इस पिछले 6-7 महीने में, एंड उसमें से 2,131 हैव गॉन होम। आया था कि पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं और ये ICU कई मरीज हैं कोविड नेगेटिव हो गए हैं बट उनको ICU की जरूरत है, तो वो हमने पोस्ट कोविड ICU शुरू कर दिए हैं। हमने 19 अक्टूबर को अपनी नॉर्मल OPD शुरू कर दी है, थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड जरूर है क्योंकि हम सब लोग मरीज भी घबराए हैं डॉक्टर्स भी घबराए हैं और हम नहीं चाहते कि एकदम से सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग कम हो जाए और ये बीमारी एकदम से फैल जाए, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा धीमे धीमे उसको बढ़ाएंगे बट हमने OPD सभी OPDs अक्रॉस द बोर्ड हमने सब शुरू कर दिए हैं। हमने अब जैसा कि आपको मालूम है सैटेलाइट सेंटर बलरामपुर का माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने 16 अक्टूबर को उसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया था। बर्न्स कार्डर रीस्ट्रक्चर की क्रिया हमने शुरू करी है। 5 वर्ग नर्सिंग कार्डर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, इन 5 कैटेगरी के लोगों को हम कैसे PGI या एम्स दिल्ली से इक्वेट कर सकते हैं ये प्रतिक्रिया हमने शुरू कर दी। ACS रजनीश दुबे जी की मदद से वो अब आगे शासन तक चली गई है फॉर फाइनेंशियल क्लियरेंसेस एंड हम वी लुक फॉरवर्ड। बर्न सेंटर का एक और मुद्दा था, जैसे कि आपको मालूम ही है मंत्री जी ये रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ बर्न इंजरीज और NTPC की मदद से फाइनेंशियल मदद से ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, सिर्फ अभी इशू है ऑफ फैकल्टी। हमारे पास इस प्लास्टिक सर्जन्स बर्न्स वाले डॉक्टर्स नहीं हैं। हमारी वो इंटरव्यूज अब शुरू होने वाले हैं आने वाले कल में मे बी नेक्स्ट 4-6 हफ्ते में। ये अगर फैकल्टी हमारी आ गई इसकी मैन पावर आ गई तो हम समझते हैं कि हम इस बर्न सेंटर को जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ द आर्ट द बेस्ट बर्न सेंटर इन उत्तर प्रदेश हम उसको उसका इनॉग्रेशन आपसे करवा सकेंगे। मेरा मानना है कि स्पाइन सेंटर जिसकी अभी तक इतनी प्रॉब्लम चल रही थी बिकॉज नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी उसकी हमें परमिशन नहीं दे रही थी, वो परमिशन हमको मिल गई है, वो अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली हमको उसका लिखित में आ जाएगा और हम समझते हैं कि वो भी एक मेजर स्टेप होगा उत्तर प्रदेश के लिए बिकॉज स्पोर्ट्स मेडिसिन पीडियाट्रिक ऑर्थोपीडिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी के लिए ये एक न्यू चैप्टर होगा। एंड हम समझते हैं कि हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय मंत्री जी से कि वो इसका भी हमको ब्लेसिंग्स दें। जैसा कि आपको मालूम है मंत्री जी 2 नवंबर को
हम अपना फैकल्टी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, प्रमोशंस और रिक्रूटमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। 2 नवंबर से ये शुरू होगा, ये प्रतिक्रिया चलेगी करीब 6-8 हफ्ते, एंड बाय एंड ऑफ दिसंबर मैं समझता हूँ कि जो सारी जिसकी जो प्रतिक्रिया है फॉर न्यू फैकल्टी और प्रमोशंस की, हम इसको खत्म कर सकेंगे। आपको ये भी पता होगा कि हमारे 2 कंसल्टेंट्स नेशनल बॉडी में कंट्रीब्यूट उन्होंने किया फॉर वैक्सीन रोल आउट स्ट्रैटेजी, जो सारे देश इंडिया इंडिया की जो वैक्सीन की जो स्ट्रैटेजी है उसमें 2 कंसल्टेंट्स KGMU के वर इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट, कि बताएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि कैसे करना है। उन सारी उसकी निचोड़ जब हमारे पास आ गई तो हमने KGMU में बैठ के इसके पे विचार विमर्श किया और एक हमने अपनी स्ट्रैटेजी अपने प्रदेश के लिए, अपने यूपी के लिए, जो हम समझते हैं ठीक है, वो हमने मेडिकल एजुकेशन को भेज दी है। हम वो सिर्फ सोचने के लिए, समझने के लिए, उसके कई पहलू हैं, तो हमने सोचा कि वैक्सीन रोल आउट स्ट्रैटेजी हम अपनी तरफ से इसको भेज सकें। ये इन सब बातों के साथ मैं फिर से मंत्री जी, सुरेश खन्ना जी का, संदीप सिंह जी का, ACS रजनीश दुबे जी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, थैंक यू करता हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय कुलपति जी। कुलपति जी ने जैसा कि हम सभी लोगों को आज की लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया है, आयोजक मंडल के सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया उसका वीडियो प्ले कर दें। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य एवं नागरिक सुविधाओं का विकास माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा वित्त एवं संसदीय कार्य श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय मंत्री विधायी न्याय एवं ग्रामीण अभियंत्रण श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप सिंह जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे जी एवं माननीय कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बिपिन पुरी जी के कुशल नेतृत्व में अपने शिखर की ओर अग्रसर है। इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आज आपकी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में माननीय मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के कर कमलों द्वारा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में रोगी हित से जुड़ी 5 महत्वाकांक्षी जन उपयोगी परियोजनाओं का उद्घाटन संपन्न हो रहा है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के क्वीन मैरी चिकित्सालय में 100 शय्यायुक्त मैटरनिटी एवं चाइल्ड हेल्थ MCH विंग क्वीन मैरी चिकित्सालय को मुख्य परिसर से जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज, 13 विभागों में स्थापित बिस्तरों पर पाइपलाइन के माध्यम से सीधे ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाले मेडिकल गैस प्लांट एवं गैस पाइपलाइन, फायर हाइड्रेंट सिस्टम तथा फैकल्टी एवं कर्मचारी आवास भवन का नवरात्रि के पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के प्रेरणा एवं माननीय अपर मुख्य सचिव जी के नेतृत्व में संपन्न करते हुए इन सुविधाओं को जनमानस को समर्पित किया जा रहा है। ये KGMU के साथ ही साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। क्वीन मैरी अस्पताल में मरीजों के निरंतर बढ़ते आंकड़ों के दृष्टिगत ₹2,209.15 लाख की लागत से नव निर्मित 100 बिस्तरों की क्षमता वाले तथा जीवन रक्षक KGMU जैसे वृहद चिकित्सालय वाले संस्थान में कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को सुरक्षित आवासीय परिसर उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्बाध निर्वहन करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ₹2,261.51 लाख की लागत से आम्रपाली योजना हरदोई रोड में नव निर्मित आवासीय परिसर को आज KGMU के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को समर्पित किया जा रहा है, जहां अध्यासित होकर वे अपने दायित्वों का निर्वहन सुगमता पूर्वक कर सकेंगे। इसके लिए मैं KGMU के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं। इसी के साथ मैं एक बार फिर मंच पर आसीन माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय मंत्री विधायी एवं न्याय श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप सिंह जी, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे जी एवं माननीय कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बिपिन पुरी जी को धन्यवाद देता हूं एवं उनका आभार व्यक्त करता हूं।
मुझे विश्वास है कि आप लोगों के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में KGMU अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। धन्यवाद। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रदेश की स्वास्थ्य एवं नागरिक किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय परिवार विगत 115 वर्षों से रोगियों की सेवा एवं विश्व प्रसिद्ध चिकित्सकों की श्रृंखला के निर्माण में सदैव अग्रणी रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई ये नवीन सुविधाएं रोगियों, उनके परिजनों, चिकित्सक लाभकारी सिद्ध होंगी। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट आवर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रजनीश दुबे जी टू प्लीज कम अप फॉर द वर्ड्स ऑफ विजडम। सर, आज के इस मौके पर हमारे बीच में उपस्थित माननीय चिकित्सा शिक्षा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रद्धेय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, हमारे बीच में मौजूद माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप सिंह जी, इस यूनिवर्सिटी के डायनेमिक नए कुलपति जी, अब मेरे ख्याल से कुछ पुराने हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी जी, प्रो वाइस चांसलर KGMU डॉक्टर सिंह, डीन प्रोफेसर उमा सिंह और नगर अध्यक्ष शर्मा जी, उपस्थित अन्य वरिष्ठ विभागाध्यक्ष गण, रजिस्ट्रार, फाइनेंस कंट्रोलर, फैकल्टी के सम्मानित सदस्य साथियों, इस वक्त मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी कुलपति जी ने अपनी योजनाओं को बताया है, मुझे लग रहा था KGMU की गति कुछ मंथर हो रही है, लेकिन अब लग रहा है कि स्पीड आई है यहाँ भी। और एक ज़माने में प्रोफेसर हरि गौतम, मुझे याद है, यहाँ पर कुलपति होते थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, और भी बीच बीच में कुछ वाइस चांसलर्स ने आकर काफ़ी तेज़ी से विकास की गति को आगे बढ़ाया था। मुझे लगता है कि अब ये जो तमाम ठहरी हुई चीज़ें थी, जैसे फैकल्टी का सिलेक्शन, जैसे ये बर्न यूनिट, मुझे लगता है प्रोफेसर AK सिंह पिछले 3 वर्षों से इसके लिए लगे हुए थे, वो VC होके चले गए, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया। लेकिन अब जैसे LG साहब ने बताया है, आपके आने से ये जो प्रोजेक्ट 2 साल में शुरू नहीं हो पाया, 2 महीने में शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं काम करने का तरीका। स्पाइन सेंटर 1.5 साल से लटका हुआ था, आपने बताया 1 हफ्ते में शुरू हो रहा है। दिस इज हाउ थिंग्स आर डन बाई एक्चुअली गोइंग इन टू द डिटेल्स, मीटिंग पीपल, ट्राइंग टू गो इन टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। और आपने एक लीडरशिप थ्रू पार्टिसिपेशन, एक यहाँ पर VC साहब ने एक जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का अप्रोच रखा है, और मेरे ख्याल से आपके नेतृत्व में जो KGMU ने काम किया है कोविड के अभियान में, वो निस्संदेह काबिले तारीफ है। मुझे याद है माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यहाँ पर बनना चाहिए एक नया हॉस्पिटल, यहाँ पर KGMU की लैब को तेज़ी से काम करना चाहिए, एंड KGMU ने उसे कर दिखाया। आपकी माइक्रोबायोलॉजी लैब में 6 लाख से ज़्यादा RT-PCR टेस्ट हो चुके हैं, और UP ने 5 मिलियन RT-PCR टेस्ट किए, जो अपने आप में आज नेशनल लेवल पर जब बात होती है कोविड टेस्टिंग की, तो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। और निश्चित तौर पे 29 मेडिकल कॉलेजेस इस समय बन रहे हैं पूरे प्रदेश में, और जिस तरीके का एक मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को मिल रहा है, जिस तरीके से माननीय मंत्री जी के आने के बाद विगत 1 वर्ष में तमाम नई नई चीज़ें आगे आई हैं, अभी कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारम्भ हुआ, उसके पहले प्रयागराज में प्रदेश की पहली कोबास लैब का लोकार्पण हुआ, गोरखपुर में कोविड हॉस्पिटल की, हमसे बांग्लादेश आगे निकल गया। बांग्लादेश जो है उसकी पर कैपिटा जो GDP है, नॉमिनल GDP, वो इस साल भारत से आगे निकल रही है। और जब कोई कहता था कि भाई आप लोग बीमारू प्रदेश हैं, तो हम लोग बिहार और बांग्लादेश का नाम लिया करते थे,
इजा वो बहुत पीछे है, हम तो आगे हैं उनसे। अब पर कैपिटा इनकम जब बांग्लादेश हमसे आगे निकल रहा है जीडीपी में, तो मेरे दक्षिण भारत के जो अधिकारी हैं और जो वहाँ के कुछ नेतृत्व में भी लोग हैं, वो कहते हैं कि बांग्लादेश हमसे आगे नहीं निकला है, बांग्लादेश हिंदी बेल्ट के राज्यों से आगे निकल गया है, उसकी वजह से हम लोग पीछे हो गए। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र कहते हैं कि हमसे बांग्लादेश तो बहुत पीछे है, कंट्री का एवरेज आप लोगों ने गिरा दिया है तो वो आगे निकल गया है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए भी एक सोचने को मजबूर करता है। और इधर पिछले 3 वर्षों में तेजी से काम हुआ है चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम हुआ है, कोविड मैनेजमेंट का काम अच्छा हुआ है। और मैं बधाई दूंगा KGMU की फैकल्टी को कि जो केस फेटेलिटी रेट हमारी है वो हमेशा शुरू से लगातार भारतवर्ष के एवरेज से कम रही है। और इसमें खास तौर में प्रोफेसर आतम हैं, प्रोफेसर रेड्डी हैं, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत से काम किया। डॉक्टर आतम संभवतः आज नहीं हैं क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो गया है, तो कोविड में वो रहे, उसके बाद वो पिछले 1.5 महीने से कोविड के बाद जो हो जाता है। तो ऐसे कर्मयोगी भी हैं यहाँ पे जो एक नई दिशा दे रहे हैं। प्रोफेसर अब्बास मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप वाइस चांसलर थे इरा मेडिकल कॉलेज में, आपके फादर यहाँ प्रिंसिपल रहे हैं, और एक लंबी श्रृंखला यहाँ पर इस तरीके के कर्मयोगियों की है जो KGMU को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको बधाई, और माननीय मंत्री जी का साधुवाद कि सर आपके मार्गदर्शन में जो कुछ भी ये हो रहा है, आगे आप और भी जो निर्देश देंगे उसको निसंदेह यहाँ हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir. Your positive comments have really boosted our morale. Thank you so much. We are honored to have Sri Sandeep Singh, who is Minister of State for Education in Government of UP. Responsibility includes primary, secondary, higher secondary, technical and medical education all. He himself is a postgraduate from Leeds Beckett University, UK. And surely he can handle his responsibilities so well. I invite you to please give us your words of blessing, sir. आज यहाँ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय हमारे लखनऊ के प्रांगण में आज के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हम सब के बीच में उपस्थित हमारे कैबिनेट मंत्री वित्त चिकित्सा शिक्षा आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे जी, इस विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बिपिन पुरी जी, प्रो वीसी प्रोफेसर जीपी सिंह जी, एवं हमारे सामने हमारे नगर अध्यक्ष शर्मा जी, एवं हम यहाँ पे हमारे सामने उपस्थित सभी हमारे फैकल्टी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, मीडिया के यहाँ उपस्थित बंधु एवं अन्य सभी हमारे यहाँ पे उपस्थित सम्मानित महानुभाव, आप सभी का मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होकर के अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज के दिन हमारे KGMU के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में नवनिर्मित 100 बेड्स के MCH विंग, ब्लॉक ए प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, क्वीन मैरी अस्पताल को मुख्य परिसर से जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज, मेडिकल गैस प्लांट एवं गैस पाइपलाइन, फायर हाइड्रेंट सिस्टम तथा फैकल्टी एवं
कर्मचारी आवास भवन के शुभारंभ की योजना को आज यहाँ पे मूर्त रूप दिया जा रहा है। वर्तमान में 4500 बेड्स की क्षमता वाले हमारे इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के चिकित्सालय परिसर में विशेषकर प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में आज 100 बेड्स की क्षमता वाले जीवन रक्षक उपकरणों एवं सुसज्जित पृथक मेटर्निटी व चाइल्ड हेल्थ विंग के शुभारंभ से एक ही आज छत के नीचे मदर एंड चाइल्ड हम दोनों को गुणवत्तापरक उत्कृष्ट चिकित्सीय उपचार की सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। साथ ही प्रदेश में उच्च प्रशिक्षित प्रसूति एवं स्त्री रोग के ज्ञाता चिकित्सकों को भी हम अपने इस संस्थान से जोड़ने में यह सुविधा बहुत हमारे लिए लाभदायक होगी। मुख्य परिसर एवं क्वीन मैरी चिकित्सालय को आपस में जोड़ने वाले आज हमारे फुट ओवर ब्रिज जिसके माध्यम से मरीजों को उनके उपयोगार्थ आज से उपलब्ध रहेगा, जिससे अब मरीजों को हम विभिन्न विशिष्ट परीक्षणों हेतु तथा विशेषज्ञ परामर्श हेतु दूसरे विभागों में सुरक्षित आवागमन के लिए आज से काफी ज्यादा सुविधा मुहैया हो सकेगी। इसी प्रकार मेडिकल गैस प्लांट एवं गैस पाइपलाइन के क्रियान्वयन होने से बाल विभाग, मेडिकल विभाग, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, सर्जरी विभाग, क्वीन मैरी चिकित्सालय, कार्डियोलॉजी विभाग, ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग, पीडियाट्रिक सर्जरी तथा प्लास्टिक सर्जरी आदि सहित कुल 13 विभागों में भर्ती मरीजों को उनके बेड्स तक ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति इस सुविधा इसके माध्यम से हम पूर्ण कर सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि केजीएमयू का एक अपना अलग इतिहास है, अपनी एक अलग पहचान है। यह अति प्राचीन चिकित्सालय हमारे विश्वविद्यालय में जहां प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहां पे लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। लगभग 10,000 से 15,000 लोग का आवागमन एक समय में यहां पे रहता है। ऐसे में आज हमारे यहां फायर हाइड्रेंट्स की सुविधा से हमारा विश्वविद्यालय यह सुविधा हमारे विश्वविद्यालय में जुड़ रही है। किसी भी तरह की अगर अनहोनी हो तो उससे लड़ने में, उससे बचाव में यह सुविधा हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। वर्तमान में कोरोना के कारण परिस्थितियां हम सबके लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं, सरकार के लिए भी, सभी विभागों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और खास तौर से सबसे ज्यादा जब जिम्मेदारी आती है तो हमारे चिकित्सा विभाग पे आती है, हमारे डॉक्टर्स के ऊपर आती है। वर्तमान में हमारी सरकार का प्रयास है कि कोरोना के प्रति सभी जितने भी इन्फेक्टेड मरीज हैं उनको तो बेहतर से बेहतर इलाज दिया ही जाए, लेकिन उसके साथ जो आम जन पे जो सुविधाएं चलती थीं उनको भी सुचारू रूप से चालू किया जाए। और मुझे गर्व है कि हमारे इस केजीएमयू के सभी हमारे फैकल्टी के मेंबर्स इस प्रेशर के अंदर भी अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन कर रहे हैं। जैसा कि हमारे वीसी साहब ने बताया कि हमने 19 अक्टूबर से अपनी सभी विभागों की ओपीडी को भी नॉर्मल रूप से चालू कर दिया है।
और हमारे इस विश्वविद्यालय में 2851 टोटल जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको अभी तक ट्रीट कराया जा चुका है, और जो कि जिसमें से रिकवरी रेट भी हमारा 85% से अधिक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे संस्थान के लिए कि हम सब ने अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन किया है और अपनी सुविधाओं को लोगों तक लेकर के जाने में हम सफल हुए हैं। 6 लाख से ज्यादा यहाँ पे RT-PCR की जांचें हम सब लोग मिलकर के इसको पूर्ण कर चुके हैं, और आने वाले समय में हम अपने कर्तव्यों का इसी तरह से निर्वहन करते रहें, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर समय समय पे बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल भी हो जाता है, पेशेंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो वह धरती पे जीवित रूप में अगर भगवान को मानता है तो केवल डॉक्टर को मानता है। केवल एक डॉक्टर ही ऐसा इंसान है, ऐसा व्यक्ति मानता है कि भगवान के रूप में हमारे सामने डॉक्टर है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम सब नॉर्मल इंसान ही हैं, फ्रस्ट्रेशन हम सबको होती है, लेकिन ऐसे प्रेशर में भी मैं सभी अपनी पूरी फैकल्टी का हृदय से आभार करना चाहता हूं कि हम सब अपने कर्तव्यों का इस कोरोना काल में भी पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। सभी बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हमारी KGMU संस्थान को दिन दोगुना रात चौगुनी प्रगति के पथ पर ले जा करके हम और आगे लेकर के जाएं। मुझे गर्व है कि हमारे प्रदेश के पास किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के रूप में ये संस्थान हमारे पास है। हमारे प्रदेश का पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमारी KGMU की वजह से नाम रोशन हो रहा है। आज आप सबके बीच में एक बार पुनः इस कार्यक्रम का हिस्सा बन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अपने सभी वाइस चांसलर जी को भी, वे भी अपने पूरी निष्ठा के साथ जब से उन्होंने ज्वाइन किया है अपने कार्यों का निर्वहन करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स भी, सभी लोगों के उज्ज्वल भविष्य की मैं अपनी ओर से हृदय से कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपनी जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल करें। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर दीज वर्ड्स ऑफ विजडम टू अस, एंड नाउ वी गो अहेड विद द इनॉग्रेशन फंक्शन। आई रिक्वेस्ट श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, सर प्लीज इनॉग्रेट करिए। And all the dignitaries on the dais to please join. These are the new additions to our KGMU campus, and proudly I say two of them are related to Queen Mary's. So it's a really proud moment for all of us, the MCH wing and also the foot over bridge, particularly for the Department of Obstetrics and Gynecology. And simultaneously the residents for the faculty and the employees in the Amrapali Yojana, the fire hydrant system, and also the medical gas pipelines that have been initiated in 13 departments. Thank you so much for being here with us for this inaugural function on the
auspicious occasion of Ashtami today. Thank you, sir. अब वो समय आ गया है जिसका हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। हमें गर्व है ऐसे चिकित्सा शिक्षा मंत्री पर जो कि उत्तर प्रदेश में सभी कोविड वार्ड्स में स्वयं पीपीई किट पहनकर जाते हैं और सभी डॉक्टर्स की हौसला अफजाई करते हैं। मैं आदरणीय माननीय मंत्री जी को दो शब्दों के साथ बुलाना चाहता हूं कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। और मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती हैं, जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी। मंच पर विराजमान हमारे सहयोगी साथी राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त भाई संदीप सिंह जी, ACS मेडिकल एजुकेशन श्री रंजेश दुबे जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री बिपिन पुरी जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, स्थानीय सभासद तथा सभी फैकल्टी मेंबर्स, बहनों और भाइयों तथा उद्घोषक महोदय, आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा थी इस दिन की। आज कई 5 योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण आपके समक्ष हो रहा है और ये पांचों इसमें से 3 पुरानी हैं और 2 हमारी सरकार में ही प्रारंभ हुई थी। जो पुरानी योजनाएं हैं वो हैं आम्रपाली योजना, हरदोई रोड शिक्षकों और कर्मचारियों के आवासों का निर्माण, ये 22,61,00,000 रुपए इसकी कुल लागत है और 2008 में प्रारंभ हुई थी लेकिन अब लोकार्पित हो रही है, हालांकि कार्य पूर्ण हो चुका था दिसंबर में। दूसरी योजना ये 2013 की है, फायर अलार्म एवं हाइड्रेंट सिस्टम स्थापित किए जाने का कार्य जो है ये 11 दिसंबर 2013 को स्वीकृत हुई थी और फरवरी 13 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। साथ ही साथ इसके अलावा ये शैया युक्त MCH विंग ए ब्लॉक ये हमारी सरकार में ही 2017 में कार्य प्रारंभ हुआ था और ये योजना 10,88,00,000 की है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में मेडिकल गैस प्लांट एवं पाइपलाइन ये सितंबर 2018 में कार्य प्रारंभ हुआ था और मार्च 2020 में कंप्लीट हुआ, 27,26,00,000 रुपए की योजना है। क्वीन मेरी चिकित्सालय को जोड़ने हैं तो फुट ओवर ब्रिज का निर्माण ये 7 नवंबर 2017 से प्रारंभ हुआ था, 6,10,00,000 का। ये 5 योजनाएं लगभग 80 करोड़ की हैं जिनका लोकार्पण अभी आपके समक्ष हुआ, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं और विशेष रूप से वाइस चांसलर श्री बिपिन पुरी जी को कि जिन्होंने इसको अंतुता गुप्ता परिणाम तक पहुंचवा दिया। बहनों और भाइयों, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कोरोना का जिक्र किया है, मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप सब लोगों के अथक परिश्रम से कोरोना का ट्रेंड अब डाउनवर्ड है। हमने टेस्टिंग से लेकर
और बचाव पक्ष हो चाहे इलाज पक्ष हो, विशेष रुचि ली सभी लोगों ने। हर जिले में कमांड कंट्रोल सेंटर बनाए गए ताकि जल्दी से जल्दी मरीजों को जैसे ही चिन्हित हो उनको अर्लीस्ट पॉसिबल समय में इलाज के लिए प्रस्तुत किया जाए किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी मेडिकल सेंटर में। और उसी का ये परिणाम है कि चूंकि काफ़ी इधर ध्यान दिया गया, सभी लोगों ने फोकस इस बात पर किया, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार रोज़ मीटिंग करते हुए रोज़ निर्देश कुछ ना कुछ देते रहे, तो उसी का परिणाम है कि 17 सितंबर को जो केसेस हमारे पॉजिटिव 68,235 थे, आज घट के 28,268 केस रह गए। अर्थात इन 36 दिनों में 40,000 केसेस हम डाउन आए हैं। जहां तक फेटेलिटी रेट का सवाल है कि आज भी नेशनल एवरेज से हमारा एवरेज कम है, नेशनल एवरेज 1.51% और हमारा आज भी 1.46 है। आज ही एक वीसी में डॉक्टर हर्षवर्धन जी से वार्ता हुई थी तो वो भी इस पर काफ़ी संतोष व्यक्त कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ये सभी क्रेडिट आप लोगों को जाता है, विशेष रूप से हमारे मेडिकल कॉलेजेस को जाता है और जो हमारे चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो ACS हमारे चिकित्सा शिक्षा हों या ACS मेडिकल हेल्थ हों, ये हमारे दूसरे माननीय मंत्री जी हैं श्री जय प्रताप सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी लोगों की रुचि का ये परिणाम है कि हम पॉजिटिविटी रेट भी और फर्टिलिटी रेट को भी मिनिमाइज करने में सफल हुए। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम हिंदुस्तान के उन चुनिंदा विश्वविद्यालय के रूप में लिया जाता है जिसकी ख्याति बहुत अच्छी है, जिसका इतिहास बहुत अच्छा रहा। हमको इस ख्याति और इतिहास का हमेशा मन मस्तिष्क में ध्यान रखना चाहिए और हर समय इस बात का ध्यान ये ज़रूर होना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति ज़रूर हो। हमारे सेटिस्फेक्शन का जो स्तर है वो ये ज़रूर होना चाहिए कि हमारा तीमारदार और हमारा पेशेंट्स यहाँ से निकलकर हमारी प्रशंसा करे, हमारे बारे में अच्छा कमेंट करे, ये हमारा लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य नहीं है जिसको अचीव करना कोई बहुत मुश्किल काम हो। आपके पास एक काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छे वाइस चांसलर एक एंथोसियास्टिक व्यक्ति हैं और अपने आप को रिजल्ट से जोड़कर चलना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसा वाइस चांसलर इस विश्वविद्यालय को मिला है। आज उनके 75 दिन पूरे हुए और मैं समझता हूं कि उन्होंने जो स्टार्ट लिया है वो अपने आप में सेटिस्फैक्ट्री है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं। जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो हमारी उनसे बात हुई थी और कई बातें विशेष रूप से इस विश्वविद्यालय के संबंध में, इसको आगे बढ़ाने के संबंध में हुई थी। हमारी कोशिश यह है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी मरीज हिंदुस्तान के कोई दूसरे स्टेट के किसी अस्पताल को देखने से पहले हमारे ही अस्पताल को कहे कि हमारे अस्पताल में सबसे अच्छा इलाज है, हमारे मेडिकल कॉलेज में सबसे अच्छा इलाज है। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए क्योंकि हम क्यों देखेंगे चेन्नई, क्यों देखेंगे बेंगलोर और क्यों देखेंगे बॉम्बे। हमारे पास सबसे, अभी आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, कई लोग वहाँ पर मौजूद भी थे, हमने कैंसर इंस्टीट्यूट जो काफ़ी दिनों से प्रतीक्षित था उसका भी शुभारंभ हुआ। कई बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताई, हम उसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन हमारे ये ज़रूर कोशिश हो कि हर तरह से हम
इस प्रदेश को, इतना बड़ा प्रदेश है, तो चाहे कोई फैकल्टी हो उसके उसका सामने ये लक्ष्य जरूर हो कि हमारे यहाँ लोग दूसरे स्टेट से हमको प्रीफर करें, हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए आए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए जब हम इस प्रोफेशन में हैं और सारी सुविधाएं हमको मिल रही हैं, सरकार से लेकर और नीचे तक सभी स्थितियां हमारे अनुकूल हैं, तो हमको ये लक्ष्य स्थापित भी करना चाहिए और इसको अचीव करने के लिए भरपूर प्रयास भी करना चाहिए। मैंने विशेष रूप से इस बात का आग्रह किया था क्योंकि मैं मदुरई भी गया था। मदुरई आज जहाँ तक पहुँचा है वो उत्तर प्रदेश के ही पैदाइश थे और उत्तर प्रदेश का ही उनका प्रारंभिक क्रिएशन भी था, जिन्होंने 17 आँख के अस्पताल खोले, डॉक्टर महेश बेहरे, और उनको वहाँ पर पूजा जाता है मदुरई में इस उससे कि उन्होंने वहाँ पर सब कुछ स्थापित कराया। और आज हमारा ही प्रदेश उस दिशा में पीछे रह गया, लेकिन अब जो कुछ बीत गया उसको तो वापस नहीं आना है, आगे हमारा लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि मैंने कहा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का हमारा सेंटर हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का मरीज चेन्नई और मदुरई या हैदराबाद न देखे, ये हमारी ज़रूर कोशिश हो। और इसके लिए जो कुछ भी हमें फैसिलिटेट करना है वो हम करेंगे और आगे भी कहीं पर इस बात का आपको एहसास नहीं होने देंगे कि इसमें हम कमी रह गई। अभी हमारे ACS मेडिकल एजुकेशन कह रहे थे कि GDP की बात कही कि बांग्लादेश की, ये फॉर द टाइम बीइंग ऐसा होता है कभी कभी कि इकोनॉमी अपने आप में फ्लक्चुएट करती है, ये स्थिति आती है। जो स्थिति अप्रैल में थी वो मई में नहीं रही, जो मई में थी वो जून में नहीं रही, जो जून में थी वो जुलाई में नहीं रही, और जो जुलाई में थी वो अगस्त में नहीं रही। आपको जानकारी जान करके खुशी होगी कि 2019 अगस्त में जो हमारा टैक्स का रेवेन्यू था उससे हमने 2020 अगस्त में 600 करोड़ रुपए का इजाफा किया, और सितंबर 2019 में जो हमारा टैक्स कलेक्शन था 2020 में 890 करोड़ रुपया उससे ज़्यादा कलेक्ट किया गया। ये सही है कि हमारी आर्थिक गतिविधि थोड़ी स्लो हुई थी कोरोना के कारण, क्योंकि लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में सारी चीज़ें अपने आप में रुक गई, पहिया रुक गया, तो इसलिए पर कैपिटा इनकम हो या GDP हो या प्रभावित तो ज़रूर हुई, लेकिन हम फिर से उसी रफ्तार पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा कलेक्शन भी बेहतर हुआ है, सारी चीज़ें अपने आप पटरी पर आ रही हैं। और मुझे खुशी हुई कि आज 19 अक्टूबर को जिस प्रकार से आपने सारी OPD शुरू कर दी, और इसके लिए भी कोई नाप ज़रूर तय करना चाहिए कि हम कितने पेशेंट्स को देखेंगे। भले ही अगर आप किसी प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे तो लोग उसमें सहयोग भी करेंगे, यहाँ से पेशेंट आकर वापस न जाए, चाहे तारीख उसको दूसरे दिन की मिले चाहे तीसरे दिन की मिले, लेकिन हमारा ये ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि पहले से ही उत्तर प्रदेश के कोने कोने से मरीज यहाँ पर आते हैं और उनको यहाँ पर आकर वापस लौटना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कष्टकारक होगा। इसलिए अगर डेट देने की बात हो, टेलीफोन से अपॉइंटमेंट फिक्स हो सकता हो, इमरजेंसी में जो लोग आने वाले हों, तो इस प्रकार का भी एक प्रॉपरली डिस्प्ले ये होना चाहिए कि हम इतने मरीज को आज देखेंगे और इसके बाद हम दूसरे तीसरे दिन भी उसको समय दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होगा। और हर प्रकार से हम जिस उद्देश्य से आए हैं, हमारा जो मेडिकल कॉलेज का जो इतिहास रहा है, जो शानदार इतिहास इस मेडिकल कॉलेज का शुरू से रहा, हम यूनिवर्सिटी बनने के बाद उसको और चार चांद लगाएं, ये हम सभी लोगों का उद्देश्य हो। आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को, विशेष रूप से अपने वाइस चांसलर को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए
हर चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये विश्वविद्यालय अपने पूर्व इतिहास को फिर से वापस लाएगा और हर तरफ इस विश्वविद्यालय की कीर्ति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय माननीय मंत्री जी। आज के कार्यक्रम की स्मृतियां मस्तिष्क में विद्यमान रहने के लिए हम सभी लोग अपने अतिथियों को एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं और उस स्मृति चिन्ह के रूप में एक समृद्धि एवं खुशहाली का पौधा भेंट करना चाहते हैं। मैं आयोजक मंडल के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि सर्वप्रथम आदरणीय माननीय मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को एक स्मृति भेंट के रूप में खुशहाली एवं समृद्धि का पौधा। आदरणीय राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आदरणीय अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे जी को हम भेंट के रूप में खुशहाली का पौधा दे रहे हैं। अपने वाइस चांसलर साहब को आदरणीय प्रोफेसर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बिपिन पुरी साहब को, जिनके नेतृत्व में हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि जो आपने कहा है उस पर पूरा करने का सफल प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ अब मैं आग्रह करता हूं, I just had a few lines to say for the Honorable Minister. Sir, leadership is not a position or a title, it is action and example. And the essence of good leadership is influence, not authority. And we see you as a leader for the medical education. Thank you for being here for this. And now, Thanksgiving per se is actually presenting our gratitude. And also a sense of completion comes for any program. I invite Professor G.P. Singh, our Pro Vice Chancellor, to give the vote of thanks. Thank you, Madam. Manch par aasin mukhya atithi Mani Suresh Khanna ji, jo Mantri Vitt evam Sansadi Karya Mantri, jo hamare Chikitsa Shiksha Mantri hain. माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप सिंह जी, डॉक्टर रजनीश दुबे जी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, आदरणीय कुलपति जी लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन पुरी जो हमारे विश्वविद्यालय कुलपति हैं, चिकित्सा विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, प्रिंट मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, पदाधिकारीगण, मैं धन्यवाद देता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के होने के बावजूद हम लोगों को समय प्रदान किया और आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर, हम आपके हृदय से आभारी हैं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री श्री संदीप सिंह जी का, जिनके आगमन से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। हम सभी आभारी हैं डॉक्टर रजनीश दुबे जी का, जिन्होंने सदैव किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पर विशेष कृपा बनाई और समय समय पर मार्गदर्शन देकर पिछले 3-4 साल से इस विश्वविद्यालय का आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कुलपति जी का, जिन्होंने हर कदम पर मार्गदर्शन किया और जैसा कि सभी ने यहां पर अनुभव किया कि माननीय कुलपति जी के आने से इस विश्वविद्यालय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी विभागाध्यक्षों का, शिक्षकों का, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों का, सभी पत्रकार बंधुओं का एवं अन्य सभी व्यक्तियों का, जिन्होंने इस हाल में इस कार्यक्रम में आयोजित करने में सहयोग दिया, सफल बनाया। अंत में धन्यवाद देता हूँ अपने विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र बंधु, छात्र छात्राओं को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। I request all of you to rise for the national anthem at the end of the program, please.
all the guests are invited for tea.